हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप खारी और आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो सोना की रियल एस्टेट मार्केट है उसमें कितना एप्रिसिएशन आया है। जो सोना हम साउथ ऑफ गुड़गांव बोलते हैं, तो सोना की आज पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा और जानेंगे इसमें चाहे जो प्रॉपर्टियां हैं, चाहे प्रॉपर्टियां हैं प्लॉट के रूप में, चाहे कमर्शियल के रूप में, चाहे अपार्टमेंट के रूप में, चाहे वो अफोर्डेबल अपार्टमेंट के रूप में, चाहे लग्जरी अपार्टमेंट के रूप में, चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी के रूप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे सोना जो बसा हुआ है वो बसा हुआ है NH 248A के ऊपर, जो कि एक नेशनल हाईवे है। पहले आप सोना रोड देखते थे जो राजीव चौक से स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअल में जो सोना रोड स्टार्ट होती है वो सदर बाजार जो गुड़गांव का है वहां से स्टार्ट होती है। जैसे कि आप देखेंगे हरीश बेकरी है, सिद्धेश्वर चौक है, वहां से सोना रोड स्टार्ट हो जाती है और फिर हम KMP तक जाते हैं, बिल्कुल सोना में एंट्रेंस कर जाते हैं, जहाँ पे कि सोना IMT बन रही है वहां तक सोना रोड है। कई बार कंफ्यूजन ये रहता है कि सोना रोड है कितनी कितनी चौड़ी है, कहाँ है, कैसे, तो ये पूरी सोना रोड है। और राजीव चौक से लगा के हमारा आप देखेंगे KMP तक एक नेशनल हाईवे कहलाई जाती है, नेशनल हाईवे NH 248A। पहले सोना रोड छोटी होती थी जो नेशनल हाईवे बोलते थे, सॉरी स्टेट हाईवे बोलते थे। आज की डेट में जो है नेशनल हाईवे है। आज सोना में जानेंगे हम किस किस प्रॉपर्टी पे कितना एप्रिसिएशन आया है। हम कई बार बोलते हैं लोगों, आप जो है सोना के अंदर प्रॉपर्टी लेके सोना बना सकते हो, सोना और सोना बना सकते हो गोल्ड, तो ये दोनों चीजें हैं, सोना सोना मत समझना। तो जहाँ पे हमारा KMP है, KMP और हमारे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, उसके बीच में पूरा सोना आ जाता है। टोटल सोना में अभी जो सेक्टर कटे हुए हैं वो सेक्टर 36 कटे हुए हैं, जिसमें इंडस्ट्री सेक्टर है, कमर्शियल सेक्टर है और अपने रेजिडेंशियल सेक्टर है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा KMP के साथ में है, जहाँ पे कि हमारा IMT बन रही है और ऑपरेशनल भी जल्दी हो जाएगी। ये दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सोना में जो सबसे बड़ी चीजें आ जाती हैं वो आ जाती है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा नाम आता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि पांच राज्यों की जो सीमा इंडस्ट्री है उनको जोड़ती है। पांच राज्यों में आपके राज्य जैसे कि गुजरात आ जाता है, फिर हरियाणा आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, महाराष्ट्र का कुछ एरिया आ जाता है, तो इस तरीके के राज्य आ जाते हैं। उनमें जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में हमारा सामान इस फैक्ट्री का, उस फैक्ट्री का, इस फैक्ट्री का, उस फैक्ट्री में, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है सोना के लिए। फिर आगे KMP आ जाता है, और जो सबसे बड़ा एक और एडवांटेज है, यहाँ पे जो सामान लेके जाने के लिए फैक्ट्री के इधर से उधर के लिए ट्रेन चलती है डबल डेकर, वो भी ऑपरेशनल हो गई है। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। अब जानते हैं विस्तार से जहाँ पे कि सोना के सेक्टर स्टार्ट होते हैं हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। तो सबसे पहला राइट हैंड पे सेक्टर आता है सेक्टर 36। तो जो सबसे पहला वहां पे प्रोजेक्ट आए थे राइट हैंड पे, तो वहां पे आए थे सिग्नेचर ग्लोबल। सिग्नेचर ग्लोबल एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लेकर आया था, आपने हो सुना होगा सेरेनाज। सेरेनाज जब लॉन्च हुआ था तो 20 लाख रुपए का था। आज की डेट में जो आप रीसेल में प्रॉपर्टी बाय करने जाते हो तो वहां पे आता है तकरीबन 70 से 75 लाख रुपए में, एक वन ऑफ द बेस्ट अफोर्डेबल निकल के आया है। उसके बाद सिग्नेचर ग्लोबल ने सेम सेक्टर के अंदर अपने दीनदयाल फ्लोर लॉन्च किए थे, जो फ्लोर लॉन्च किए थे फेज 1, जो आप देखेंगे 1 और 2 के नाम से, फिर 4 एंड 5 के नाम से। तो फ्लोरों को भी जब लॉन्च किए थे 2020 के आसपास में, उस टाइम पे दीनदयाल प्लॉट करते थे, लेकिन सिग्नेचर ने क्या किया था, जो फ्लोर होते थे सबसे पहला लाइसेंस फ्लोर का सिग्नेचर ग्लोबल ने ही लगाया था दीनदयाल प्लॉट के ऊपर। सबसे छोटा साइज 845 स्क्वायर फीट का आया था, फिर 2 BHK भी थे, 3 BHK भी थे, 3+ स्टडी भी थे, इस तरह का कॉन्सेप्ट था। तो वहां पे भी यदि मैं बात करता हूँ जिन लोगों ने पहले से ही बुकिंग कराई थी, तो वहां पे भी 2.5 से 3 गुना का एप्रिसिएशन आया है फ्लोर के ऊपर। फिर हम लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो सबसे पहला प्रोजेक्ट था CHD का, जो कि बंद पड़ा हुआ प्रोजेक्ट है और आज तक एप्रिसिएशन की कुछ भी आइडिया हम नहीं लगा सकते। और जस्ट बराबर में मेन रोड पे ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जस्ट साथ में लीफ डेवलपर का जो है एक मॉल बन रहा है, जल्दी ही ऑपरेशन हो जाएगा। वहां पे भी अभी एप्रिसिएशन पर ज्यादा आइडिया नहीं लगा सकते। आप मान सकते हो जिस भी क्लाइंट ने या जिस भी इन्वेस्टर ने वहां पे सोप बाय करी थी, आज तकरीबन 1500 से 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट का जो है एप्रिसिएशन मिलता है। तो ये चीजें हैं हमारी शुरुआती सेक्टर। फिर अंदर के जो सेक्टर हैं जिसमें दीनदयाल प्लॉट हैं उनकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। फिर लेफ्ट हैंड पे हमारी एक और सोसाइटी आती है जो सेक्टर 33 के अंदर आती है। आपने नाम सुना होगा, बड़ा ही फेमस नाम है, आशियाना। आशियाना अनमोल 3 फेज में लॉन्च किया था। जब छोटा फेज छोटा साइज लॉन्च किया था 1526 स्क्वायर फीट, तो तकरीबन 75 लाख रुपए में चीजें मिलती थी, आज वो दुगनी से भी ज्यादा जा चुकी है। एक अच्छी सोसाइटियां हैं,
ये जो आती है सेमी लग्जरी के अंदर आ जाती है। बढ़िया चीजें थी। कुछ टाइम पे ये था कि आशियाना को सोना हो चाहे गुड़गांव हो कोई भी नहीं जानता था। आज जो है आशियाना चाहे सोना ले लो गुड़गांव हो काफी फेमस हो चुका है। फिर थोड़ा और हम आशियाने के साथ में देखेंगे तो एक ब्रिज का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, अफोर्डेबल ब्रिज ग्लोबल हाइट, जिसमें कि 1 BHK, 2 BHK और 2.5 BHK के अपार्टमेंट थे। जो इनका लास्ट फेज लॉन्च हुआ था, शायद 2.5 BHK जो था इनका लिमिटेड ही यूनिट थी, जो शायद कुछ ही लोगों को पता होगा। तो इसमें 1-2 BHK के ही अपार्टमेंट थे और एक अफोर्डेबल ये ऐसा था जिसके अंदर बेडरूम का साइज भी 12x16 का मिल जाता था। यहाँ पे भी 2 गुना ज्यादा का एप्रिसिएशन आज आ गया है। और सबसे बड़ी चीज है, एप्रिसिएशन तो आ गया है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना तो उनको पार्किंग की प्रॉब्लम होती है 4 व्हीलर की और ना ही पार्क की प्रॉब्लम होती है। अच्छे से रह रहे हैं, वो संतुष्ट हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से या अपने एंड यूजर से, जो सबसे बड़ी चीज है। इसी के साथ में फिर ब्रिज ने अपने फ्लोर लॉन्च किए थे फ्लोरा के नाम से, उनका भी बहुत अच्छा रिटर्न है। फिर सामने एक तुलसियानी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है जिसकी पजेशन अभी मिली है, अपने टाइम से लगभग 3-4 साल डिले रहा था, लोगों को परेशान किया था, आज भी कुछ ही टावर की वहां पे पजेशन मिली है। और साथ में ही फिर आरोफ नॉर्मेशन के प्लॉट थे दीनदयाल, जो लगभग 1.5 से 2 साल पहले लॉन्च हुए थे, 80-85 हज़ार रुपए के रेट पर लॉन्च हुए थे। आज जो रीसेल का रेट चलता है तकरीबन 1.35 से 1.40 लाख रुपए पर गज का चलता है। आरोप के दीनदयाल प्लॉट जिनका साइज आता था जो सेक्टर 36 के अंदर थे, साइज 120 गज से लगा के 180 गज तक के साइज थे। तुलसियानी हो गया। फिर सोना का जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है सेंटर पार्क। सेंटर पार्क में जो है टाउनशिप है लगभग 1,000 एकड़ से लगा के 1,100 एकड़, आज की डेट में जो है इतनी बड़ी टाउनशिप है। जब स्टार्ट हुई थी तो छोटी सी ही टाउनशिप थी, 2 BHK 55-60 लाख रुपए का मिल जाता था फ्लोर एक लग्जरी के अंदर, तो आज वो ही फ्लोर 1.5 करोड़ का है। बाकी जो सबसे बड़ा एप्रिसिएशन आया है वो सेंटर पार्क फ्लावर वैली के अंदर आया है। यहाँ पे प्लॉट का रेट होता था लगभग लगभग 2020 के अंदर ही लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये पर गज, आज जो रेट है 2 लाख रुपए से लगा के 2,30,000, 2,35,000 रुपये पर गज का रेट आ गया। सेंटर पार्क आज भी रहने के हिसाब से एक वन ऑफ द बेस्ट टाउनशिप है, जो सारी फैसिलिटीज अंदर ही प्रोवाइड कराता है। फिर सेंटर पार्क के जस्ट बराबर में आप एक और प्रोजेक्ट देखेंगे, आपने नाम सुना होगा ILD, रुका हुआ प्रोजेक्ट है, लोगों का पैसा खा लिया, डेवलपर ने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया। फिर उसके बराबर में लेफ्ट हैंड पे ही एक प्रोजेक्ट देखेंगे आप, गोदरेज नेचर प्लस सेरेनिटी क्राउन, 3 नाम से बना हुआ है जो अपने एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर, और ये अपने टाइम से बहुत डिले चल रहा है। 2018 का लॉन्च था, इनको पोजीशन 2022-23 में देनी थी, आज 24 भी खत्म हो चुका है, 25 जो है 2025 लग जाएगा, लेकिन अपने टाइम से डिले चल रहा है। लेकिन एप्रिसिएशन जो है वहां पर जो है 5.5-5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट से शुरू हुआ था, आज 10-11 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है चीजें मिल जाती है। फिर आप इसी के अपोजिट में देखेंगे सेक्टर हमारा 2 लगता है, 35 लगता है, वहां पर दीनदयाल प्लॉट है पिरामिड। पिरामिड का जो प्राइस स्टार्ट हुआ था लगभग 40-42 हज़ार रुपये से स्टार्ट हुआ था, आज जो है 1,30,000-1,35,000 रुपये पर गज पिरामिड दीनदयाल प्लॉट मिलते हैं, पिरामिड स्प्रिंग वैली। सेम ही हाल LID का है। और फिर आप देखेंगे आइरियो, आइरियो के प्लॉट आए थे, आइरियो के प्लॉट जो है 65 हज़ार रुपये पर गज के आसपास थे, आज 1.25 लाख रुपए गज है। फिर सेक्टर 35 और 2 लगता है, वहां पे एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट था SCBS। SCBS जब लॉन्च हुआ था 19 लाख रुपए का था, तो आज डबल हो चुका, क्योंकि थोड़ा वो पीछे जाके है, कंस्ट्रक्शन भी उसकी कुछ खास नहीं थी, जिस कारण ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया। SCBS स्पोर्ट्स विले के नाम से है। 2019 लास्ट, 2020 फर्स्ट क्वार्टर में जो है SCBS ने अपनी पोजीशन दी थी। फिर अंसल के प्लॉट हैं, अंसल के प्लॉट भी जो है ऑलमोस्ट डबल का एप्रिसिएशन दे चुके। फिर सिल्वर ग्रेड का एक प्रोजेक्ट है, उसका भी अच्छा एप्रिसिएशन आया है, सेम सेक्टर के 35 के अंदर, सिल्वर ग्रेड जो सीनियर सिटीजन कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, तो ये प्रोजेक्ट है। फिर आप देखेंगे सुपर टेक की एक टाउनशिप है हिल टाउन के नाम से, वहां पे जो प्लॉट दीनदयाल के स्टार्ट हुए थे 40 हज़ार थे, वहां पे आज 1.25 लाख रुपए पर रीसेल होता है। फिर सुपर टेक के ही प्लॉट थे, प्रीमियम प्लॉट थे, वहां पर 30-35 हज़ार रुपए गज मिलते थे, आज 1 लाख रुपए प्लस का रेट है। बाकी सुपर टेक के वहां पर फ्लोर या हाई राइज बना रहा था, काम रुक गया है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लोगों का पैसा फंसा हुआ है। फिर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड पे देखेंगे KR मंगलम यूनिवर्सिटी है, राइट हैंड पे देखेंगे GD गोइंका यूनिवर्सिटी है।
जो कि एजुकेशन हब के हिसाब से बहुत बड़ा एडवांटेज है और जीडी गोइन का सिग्नेचर स्कूल है। फिर थोड़ा और आगे चलेंगे तो बिल्कुल जहाँ पे हमारे जीडी गोइन का यूनिवर्सिटी है, श्री वर्धमान का प्रोजेक्ट था, एमकेएस का प्रोजेक्ट था जो कि दीनदयाल प्लॉट थे, इनमें भी जो है लगभग लगभग अगर बात करता हूँ डबल या ट्रिपल के आसपास का जो है एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। एमकेएस जो एक प्लॉटिंग लेकर आया था, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एमकेएस भी यहाँ पे दीनदयाल प्लॉटिंग लेकर आया था। फिर जहाँ पे हमारी के आर मंगलम यूनिवर्सिटी है, इसके अपोजिट में सेक्टर 2 लगता है जी डी गोइन का यूनिवर्सिटी के जस्ट बराबर में, वहाँ पे आसियाना का एक और प्रोजेक्ट था, एक है आसियाना हाउसिंग, एक है आसियाना होम। आसियाना होम का प्रोजेक्ट था आसियाना मलबरी, तो 2 BHK लगभग 55-60 लाख रुपए का बिकता था। ये पजेशन वैसे 2-2.5 साल डिले दी है, काफी टाइम से अब तो पजेशन हो चुकी है, लेकिन आज की डेट में जो प्रीमियम है अप्रिसिएशन है 2 गुना प्लस ही है। फिर हम थोड़ा और आगे चलेंगे, सेक्टर 2 के अंदर एलडीगो का प्रोजेक्ट है, काफी मेंटेन है अंदर से और वहां पे भी लगभग 2.5 से 3 गुना का आपको एप्रिसिएशन मिल जाएगा। अभी हम मेन रोड के कवर कर लेते हैं, फिर सेक्टर 4, 5, 7 के अंदर जो प्रोजेक्ट है वो देखेंगे। फिर थोड़ा हम आगे चलेंगे तो लेफ्ट हैंड पे सेक्टर हमारा पड़ेगा 7, जहाँ पे प्री कोर सिटी का प्रोजेक्ट था और वहाँ पे आपको दीनदयाल प्लॉटिंग, प्रीमियम प्लॉटिंग, हाई राइज ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हालांकि हाई राइज अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन प्लॉटिंग पर यदि मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे अच्छा खासा जो है प्रीमियम आया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेक्टर 11 सेक्टर 17 की, वहाँ पर ब्रिज का एक और प्रोजेक्ट था, ब्रिज हिल व्यू, काफी कम लोग जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट भी था यहाँ पे और वहाँ पे रहीजा की भी टाउनशिप है 220-240 एकड़ के आसपास में, लेकिन रहीजा की जो है लगभग मट्टी सी ही कटी पड़ी है। पहले भी 30-35-40 हजार रुपए गज प्लॉट मिलते थे रीसेल में, आज भी वही चीजें मिल जाती है। बाकी रहीजा पे कोई जाना नहीं चाहेगा, लेकिन वहाँ पे जो ब्रिज का प्रोजेक्ट है ब्रिज हिल व्यू, अच्छे साइज से अच्छी टाउनशिप है जो कि एक कंपनी है जो कि गोल्ड को रिफाइन करती है, MMTC, उसके अपोजिट में। ये सारी चीजें मेन रोड की ही कवर कर रहा हूँ मैं आपको। तो फिर इसका भी लगभग 2 से 2.5 गुना का एप्रिसिएशन आया। फिर थोड़ा और आगे चलेंगे तो एक और अफोर्डेबल का टाउनशिप कटी थी, छोटी सी ही सोसाइटी, आपने नाम सुना होगा, एक डेवलपर सोना में काम कर रहा है, गोल्ड सूक और सुपर टैक की संभव हो के नाम से, जो कि बिल्कुल KMP और जो हमारा IMT सोना है उसके अपोजिट में है, वहां पे भी लगभग 2.5 से 3 गुना का एप्रिसिएशन आ गया है और आने वाले टाइम में जो है रेंट भी अच्छा रहेगा। रजिस्ट्रिया हो रही है, जैसे कि आप समझते हैं कि सुपर टैक का नाम खराब है, लेकिन ये चीजें पहले ही होगी थी, 60 गज से लगा के 180 गज तक के प्लॉट मिल जाते थे। फिर बात करते हैं सेक्टर 4, 5 और 7 की। इन सेक्टर 4 की बात करता हूँ तो एक अफोर्डेबल सोसाइटी थी, आपने नाम सुना होगा, बड़ा ही फेमस नाम है, GLS अरावली होम, जो कि 10 एकड़ की रही थी और यहाँ पे एक अफोर्डेबल फ्लैट कटे थे और काफी टाइम से पजेशन है और 17-18 लाख रुपए की चीजें मिलती थी, आज वो डबल हो चुकी है। फिर सेक्टर 5 के अंदर ही एम्बियन एथेन है, वो भी डबल हो चुकी है। फिर सेक्टर 5 के अंदर ही प्लॉट देखेंगे पारस के ग्रुप के हैं, 29 हजार रुपए गज जो सबसे कम रेट है सोना का, 29 हजार रुपए पर लॉन्च हुए थे, आज 70-75-80 हजार रुपए गज में रीसेल होते हैं। फिर कोरोना डेवलपर के हैं, सेमी कहानी है। फिर GLS डेवलपर के हैं, सॉरी GLS के सेक्टर 4 के अंदर ही अरावली होम, तो वो GLS ने महंगे ही लॉन्च किए थे और आज उतना अप्रिसिएशन की बात करता हूँ तो 10 से 15 हजार का, लेकिन उतना खासा नहीं है। फिर JMS सेक्टर 5 की बात करता हूँ, 45 हजार रुपए पर लॉन्च हुए थे, 40-45 से 42 हजार रुपए चीजें मिल जाती थी और आज 80 हजार रुपए पर गज के आसपास में चीजें रीसेल हो रही है, ये प्लॉटिंग की कहानी है। फिर गोकुल धाम है, गोकुल धाम की भी रिसेंटली चीजें हैं, अप्रिसिएशन आने में जो है टाइम लगेगा। फिर सेक्टर 5 के अंदर एक और अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आया था, गंगा रियलिटी का तथास्तु करके, वहां पे भी जो है अगर आज बात करता हूँ तो 10-15 या 17-18 लाख रुपए का प्रीमियम है, एक ही अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। फिर सेक्टर 35 में एक और तथास्तु करके, तो गंगा रियलिटी की है रिसेंटली है, तो इनका अप्रिसिएशन की हम अभी ज्यादा वैल्यू नहीं लगाएंगे, लेकिन आज कम्प्लीटली तो डिटेल ये ही है। बाकी काफी सारे दीनदयाल ऐसे हैं जो मैंने वीडियो में मिस कर दिए हैं, वो कौन कौन से हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और सोना की डिटेल कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, यदि इसके ऊपर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं कि सोना में क्या क्या अपग्रेड हुआ है या क्या क्या अपग्रेडिंग चीजें होने वाली है, क्या क्या चीजें IT की आने वाली है,
तो आप यस लिख के भेज सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। तो आज की वीडियो में कंप्लीटली डिटेल यही। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए। जय श्री राम।